हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके टुडे करंट अफेयर्स क्विज। मैं हूं यशवर्धन और आज है 27 जुलाई। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज लॉन्च्ड विद चाइल्ड लाइन कंटेस्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एक चाइल्ड लाइन कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया है ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर अवेयरनेस फैलाई जा सके, यानी कि मानव तस्करी के ऊपर अवेयरनेस फैलाई जा सके और उसको रोका जा सके। राइट आंसर है चाइल्ड लाइन 1098। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने रेलवे मिनिस्ट्री के साथ भी एक एग्रीमेंट किया है क्योंकि मैक्सिमम जो तस्करी की जाती है, मानव तस्करी, रेलवे के थ्रू की जाती है। चाइल्ड लाइन 1098 है, ये एक फ्री 24/7 नेशन वाइड एमरजेंसी हेल्पलाइन है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन की अगर बात करें तो ये एक एनुअल इवेंट है, यानी हर साल मनाया जाता है। हर साल 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन मनाया जाता है। WCD यानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की बात करें तो इसकी मिनिस्टर हैं मिस मेनका गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज द सेकेंड मीटिंग ऑफ नेशनल काउंसिल ऑन इंडियाज न्यूट्रिशन चैलेंज, यानी कि किस मिनिस्ट्री ने सेकेंड मीटिंग ऑफ नेशनल काउंसिल कंडक्ट करवाई है इंडियाज न्यूट्रिशन चैलेंज के लिए। राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने सेकेंड मीटिंग ऑफ नेशनल काउंसिल है वो कंडक्ट करवाई है पोषण अभियान के अंडर में। ये मीटिंग हुई थी 24 जुलाई को नई दिल्ली में अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर राजीव कुमार, जो कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं। इसके साथ साथ हर साल सितंबर महीने को नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के तौर पे मनाया जाता है। पोषण अभियान की बात करें तो पोषण अभियान एक न्यूट्रिशन मिशन है जो झुंझुनू में प्राइम मिनिस्टर ने 8 मार्च को लॉन्च किया था। 8 मार्च यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे, उस दिन ये मिशन लॉन्च किया गया था। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये प्लानिंग कमीशन का सक्सेसर है, यानी कि प्लानिंग कमीशन के जगह पे बनाया गया है। दोनों ही नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन दोनों ही एग्जीक्यूटिव बॉडी है, दैट मीन्स कि ये तो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ना ही किसी लॉ से बनाई गई है। 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसके करंट वाइस चेयरपर्सन है वो मिस्टर राजीव कुमार है और करंट CEO है वो है मिस्टर अमिताभ कांत। प्राइम मिनिस्टर है वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं नीति आयोग के। एक्स ऑफिशियो का मतलब है बाय वर्चू ऑफ, यानी कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो बाय डिफॉल्ट नीति आयोग के चेयरपर्सन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज होस्टिंग द 10th एडिशन ऑफ ब्रिक्स समिट 2018, यानी कि ब्रिक्स का 10वां समिट कहाँ हो रहा है। राइट आंसर है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स का 10वां समिट हुआ था। इस बार का थीम था ब्रिक्स इन अफ्रीका, कोलैबोरेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ शेयर्ड प्रोस्पेरिटी इन फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 9th समिट, यानी कि ये तो 10th समिट था जो जोहान्सबर्ग में हुआ साउथ अफ्रीका में। 9th समिट था वो जियामन यानी कि चाइना में हुआ था सितंबर 2017 में। फर्स्ट समिट हुआ था वो रशिया में हुआ था 2009 में। इसके साथ साथ ब्रिक्स के अंडर एक ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी है जिसका हेडक्वार्टर है वो शांघाई में है और जिसका रीजनल ऑफिस जोहान्सबर्ग में है। मिस्टर केवी कामट हैं वो इसके प्रेसिडेंट हैं। ब्रिक्स के हेड ऑफ द स्टेट्स की बात करें तो ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर माइकल टेमर, रशिया के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर पुतिन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी, चाइना के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर जी जिनपिंग एंड साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर रामाफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन शाह हु इज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट। पवन शाह जो कि न्यूज में थे वो किस खेल से संबंधित हैं। राइट आंसर है क्रिकेट। पवन शाह ने अंडर 19 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में श्रीलंका के खिलाफ सेकंड हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाया है, उन्होंने 282 रन बनाए थे। ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के क्लिंटन पीक हैं वो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर का रिकॉर्ड रखते हैं, उनका स्कोर था 304। नेक्स्ट न्यूज है, विच सिटी इज होस्टिंग द 18th यूनिसेफ इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल 2018। राइट आंसर है कलकत्ता। 2018 के यूनिसेफ इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल का थीम था वैल्यू ऑफ गर्ल्स, इसको ऑर्गेनाइज करवाया था सिने सेंट्रल ने। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं मिस्टर केसरी लाल त्रिपाठी और वहां की चीफ मिनिस्टर हैं मिस ममता बनर्जी। यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ का मतलब है UN चिल्ड्रन फंड, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर्स है वो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए प्लांटेशन ड्राइव ग्रीन महानदी मिशन, किस राज्य ने ग्रीन महानदी मिशन नाम के एक प्लांटेशन ड्राइव की शुरुआत की है। राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा ने हाल ही में ग्रीन महानदी मिशन की शुरुआत की है ताकि सोयल इरोजन को रोका जा सके और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सके। इस मिशन के अंडर में लगभग 5 करोड़ नए पौधे लगाए जाएंगे। हाल ही में उड़ीसा ने पहला ट्राइबल एटलस भी लॉन्च किया था। इंडिया में लगभग
9% पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है, और मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है जहाँ पे मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन है। लगभग 21% पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश की वो ट्राइबल्स हैं। इसके साथ साथ उड़ीसा ने एक ड्राइव भी स्टार्ट किया था ताकि पेंगोलिन की तस्करी को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट स्टेट रन ऑल वुमेन होटल होस्टेस विल कम इन विच सीट। इंडिया का पहला गवर्नमेंट होटल जो कि ऑल वुमेन स्टाफ होगा जहां पे, वो कौन से स्टेट में होगा? राइट आंसर है केरला। केरला ने हाल ही में अनाउंस किया कि ऑल वुमेन होटल है जिसका नाम होगा होस्टेस, वो शुरुआत किया जाएगा तिरुवनंतपुरम केरला में। ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है केरला टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। इसके साथ साथ ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन था वो मातुंगा रेलवे स्टेशन था। राजस्थान का गांधीनगर रेलवे स्टेशन है वो सेकंड ऐसा रेलवे स्टेशन था जहां पे ऑल वुमेन स्टाफ थी। कमेंट बॉक्स में बताइए कि जम्मू कश्मीर बैंक के ऑल वुमेन ब्रांच कौन सी जगह पे स्थित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टू आइडेंटिफाई द डेवलपमेंट प्रायोरिटीज ऑफ स्टेट। किस राज्य ने इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने की बात कही ताकि स्टेट है राज्य की डेवलपमेंट प्रायोरिटीज हैं उनको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके। राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा ने हाल ही में इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की स्थापना की है। इसका मेन पर्पस होगा हर एक डिस्ट्रिक्ट की जो नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक एक्शन प्लान बनाने का। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। इसके कैपिटल चंडीगढ़ है। इसमें 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। मिस्टर कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के गवर्नर हैं जबकि मिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं। हरियाणा की विधानसभा में 90 सीट हैं जबकि लोकसभा में 10 और राज्यसभा में 5 सीटें हैं। हाल ही में हरियाणा ने एक पौधागिरी कैंपेन भी स्टार्ट किया था जिसका पर्पस है ग्रीन कवर को बढ़ावा देना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना। इसके अंडर में क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे पौधे उगाएंगे। नेक्स्ट इज, विच फॉर्मर चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड हैज़ ऑथर्ड द बुक व्हेन कोल टर्न गोल्ड द मेकिंग ऑफ महारत्ना कंपनी, यानी कि व्हेन कोल टर्न गोल्ड है इस बुक को किसने लिखा है? राइट आंसर है पी भट्टाचार्य। ये कोल इंडिया लिमिटेड के फॉर्मर चेयरमैन थे जिन्होंने इस किताब को लिखा है। हाल ही में एक और किताब भी न्यूज में थी, द धोनी टच। कमेंट बॉक्स में बताइए इस किताब के राइटर कौन है। कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल में है और टोटल कोल प्रोडक्शन का 82% कोल इंडिया प्रोवाइड करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में है। ये एक महारत्न कंपनी है। इसके साथ साथ टोटल 8 PSU हैं जिनको महारत्न का दर्जा दिया गया है। इनका नाम है NTPC, ONGC, SAIL, GAIL, BHEL, ऑयल इंडिया, कोल इंडिया एंड BPCL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल ट्रेडर्स कॉन्क्लेव 2018 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। राष्ट्रीय व्यापारी महाधिवेशन है वो किस शहर में आयोजित करवाया गया था? राइट आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में नेशनल ट्रेडर्स कॉन्क्लेव हुआ था। ये कंडक्ट करवाया गया था कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। इसका मेन उद्देश्य था जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है यानी कि जो व्यापारी लोग हैं वो किस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उनका कैसे कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक इट, प्लीज शेयर इट विद अदर्स। इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।